शायद हम आज अपनी स्वतंत्रता के इतने सालों बाद भी हम उनको वो सहूलियत या उनको वो सेफ्टी नहीं दे पाए जो देना से शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो फांसी में चढ़ा देना है। लाई दुर्ग हो चाहे बाहर कोई भी प्रदेश हो, जहाँ पे इस तरह का घिनौना हरकत होता है, उसमें प्रशासन को एक नया कानून बनाना चाहिए। मैम ऐसा घिनौना हरकत किसी को नहीं करना चाहिए। अगर सब बाहर, अगर लेडीज बाहर काम करने जा रहे हैं मैम, तो उसका सुरक्षा सेफ्टी जरूरी है। अगर ऐसा कोई अगर किसी के बहन बेटी के साथ, किसी लेडीज के साथ, उसको तो तुरंत फांसी टिकट दे देना चाहिए। कोलकाता में डॉक्टर मोमिता के साथ हुई दरिंदगी और उसकी हत्या के बाद देश भर में मेडिकल पेशे से जुड़े लोग आक्रोश में हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर के लगातार मांग कर रहे हैं। और आज भिलाई में भी ऐसा ही एक मौन जुलूस एक निजी हॉस्पिटल स्पर्श के स्टाफ में निकाला है। काले कपड़ों में वो अपना विरोध जता रहे हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा हम लेकर रहेंगे। और डॉक्टर मोमिता के लिए वो जस्टिस भी मांग रहे हैं, क्योंकि मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं और महिलाएं, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे स्टाफ में महिलाएं हैं और महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर कितनी ज्यादा संजीदगी से ये प्रदर्शन कर रही है। देखिए आप होर्डिंग्स और उनके जो पोस्टर्स जो लेके आए हैं, उससे आप समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये अपना विरोध कर रहे हैं कि अगर नो सेफ्टी नो ड्यूटी, अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, मेडिकल स्टाफ अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे। और केवल ये समस्या केवल कोलकाता की नहीं बल्कि उन तमाम जगहों की है जहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं। ये केवल मेडिकल फील्ड ही नहीं बल्कि हर वो फील्ड जहाँ पर महिलाएं काम करती हैं, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो देश में महिलाओं का जो अस्तित्व है वो भी सुरक्षित नहीं है। आइए हम इनसे भी जुड़ते हैं। और सर, आप लोग आज एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर मोमिता के फेवर में, क्या महिलाओं की जो सुरक्षा को लेकर के आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? विरोध प्रदर्शन से ज्यादा ये बहुत बड़े दुख का विषय है कोमल, कि आजादी के वर्षों के बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हर 15 मिनट में एक बलात्कार का केस भारत में दर्ज होता है। पूरे समाज का सोचने का विषय है। हमारी जो मांग है वो ये है कि कम से कम हमारे जिले में एक ऐसा टास्क फोर्स बने कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, लोगों को अपना रोल पता हो। जैसे अगर मेरे हॉस्पिटल में इस तरह की कोई घटना की शुरुआत होती है तो उस फीमेल को क्या एक्शन लेना है, किससे कांटेक्ट करना है, या फर्स्ट पर्सन जो कांटेक्ट में आता है वो किस तरह से एक सिस्टम को एक्टिवेट करे ताकि जघन्यता को कम से कम किया जा सके। बिल्कुल, एक सिस्टम बनना चाहिए जिसे जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा। हमारे साथ सावन से भी जुड़ रहे हैं। सर, किस तरीके के मानते हैं महिलाओं की सेफ्टी को लेकर इतनी बातें होती हैं, कमेटियां बनती, उछाड़ा कमेटी बनी, फास्ट कोर्ट बने, के न्याय नहीं मिल पाता? देखिए, हमारे यहाँ जो भी चीजें हैं ना, महिलाएं बाहर निकल के काम करने के लिए बहुत उत्साहित हैं और सब काम करती हैं, पर शायद हम आज अपनी स्वतंत्रता के इतने सालों बाद भी हम उनको वो सहूलियत या उनको वो सेफ्टी नहीं दे पाए जो देना चाहिए। निश्चित रूप से अब की बार जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है, एक नेशनल टास्क फोर्स बनाया है, ठीक है, वो नेशनल टास्क फोर्स नेशनल लेवल पे रहेगा, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी टास्क फोर्स बनाना चाहिए। और इस प्रकार का कोई भी कृत्य होता है तो उसमें तुरंत कार्रवाई होना चाहिए और इस ऐसा कोई एक्शन प्लान होना चाहिए ताकि इमीडिएटली उस महिला को या उस हमारी बहन को या हमारी बेटी को तुरंत उससे सहायता मिल सके, रिलीफ मिल सके। और ये लड़ाई बहुत छोटी लड़ाई नहीं है, लंबी लड़ाई है और हम सबको साथ में मिलके रहना है, लड़ना है। और अस्पताल में खासकर जो महिलाएं नौकरी करती हैं, ड्यूटी करती हैं, उनके साथ जरूरी है कि हम उनको एक ऐसा वातावरण दें जिससे वो अपने आप को सेफ होके, निर्भय होके, निर्भीक होके वो वहाँ काम कर सके, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़रूरतमंद और बहुत ऐसे लोग आते हैं जिनको हमेशा सहायता की ज़रूरत होती है। तो हमारे अस्पताल में, जहाँ तक हमारे स्पर्श अस्पताल है, वहाँ पर महिलाएं भी उतनी ही हैं जितनी पुरुष हैं, इसलिए महिलाओं को सेफ्टी देना जरूरी है। और हम खासकर अपने अस्पताल में हमेशा ये कोशिश करते हैं कि महिलाओं को पूरी सहायता मिले, सेफ्टी मिले, और इसके खास इसके लिए हम लोगों ने कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी रखे हुए हैं जो हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ये कुछ महिलाओं से भी जुड़ते हैं। आप यहाँ पर हाथ में कैंडल लेकर खड़ी है, क्या नाराजगी, क्या गुस्सा, या क्या आप अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं? एकदम शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो फांसी में चढ़ा देना चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि बाद में फिर सोचना पड़े उन लोग को ऐसा करने के लिए। आप ड्यूटी डॉक्टर भी है, सिर्फ फर्स्ट ड्यूटी रहती है, किस तरीके की चीजें आप लोग फेस करते हैं जब ड्यूटी में होते हैं? हम तमाम उन हॉस्पिटल की बात करते हैं जहाँ पे सुरक्षा के कोई पैमाने नहीं। अभी तो हम जहाँ हैं वहाँ बहुत सुरक्षा है, हम लोग बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं।
मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि चाहे भिलाई दुर्ग हो, चाहे बाहर कोई भी प्रदेश हो, जहाँ पे इस तरह का घिनौना हरकत होता है, उसमें प्रशासन को एक नया कानून बनाना चाहिए जिसमें अगर बेटियों के साथ इस तरीके का हरकत करे उसे तुरंत ऐसी सजा देनी चाहिए कि दोबारा सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए। बिल्कुल, सजा ऐसी हो कि सोचे भी तो रूह कांप जाए अगर इस अपराध के बारे में। तो हमारे साथ कुछ और मैम जुड़े, आप क्या कहना चाहिए? मैम, ऐसा तो निरो हरकत किसी को नहीं करना चाहिए। अगर सब बाहर अगर लेडीज बाहर काम करने जा रहे हैं मैम, तो उसका सुरक्षा सेफ्टी जरूरी है। अगर ऐसा कोई अगर किसी की बहन बेटी के साथ, किसी लेडीज के साथ हो, उसको तो तुरंत फांसी टिकट दे देना चाहिए। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ी पर बची नहीं एक स्लोगन रखा है जी, मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगी। क्या कहना चाहेंगे स्लोगन के बारे में? बेटी पढ़ी भी आगे बढ़ी भी लेकिन बच नहीं। आजकल के जो दौर चल रहा है वो बहुत ही बेकार है। एक पुरुष को हमेशा ही अपने ऊपर कायम रखना चाहिए, बेटियों को हमेशा उनके हक की लड़ाई लड़नी चाहिए और बेटियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार की बात करते क्या कहना चाहिए? इस दुष्कर्म में हुए वाले को फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल, सबका एक कहना है फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कुछ हम यहाँ पे और भी सबसे जुड़ते सर, क्या कहना चाहिए? ये जो घटना हुई है, जिस तरीके से दरिंदगी हुई है डॉक्टर के साथ, ये घटना बहुत निंदनीय है। इस तरह की घटना पूर्व में भी हो चुकी है। आज वो समय आ चुका है कि इस पर एक निर्णायक बैठक हो और एक निर्णय ऐसा लिया जाए कि आगे चल करके इस तरह की कोई घटना होती है तो वो दोषी बच ना पाए। बिल्कुल, दोषी बचना नहीं चाहिए। और यहाँ पर जिस तरह की सब प्रदर्शन हो रहा है लगातार शहर में, अलग अलग संगठन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सबका एक ही ध्येय है कि जो आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पूरा देश याद रखे और दोबारा ऐसी हरकत न हो। और हम भी यही कामना करेंगे कि डॉक्टर मोमिता की आत्मा को शांति मिले और उसे तब शांति मिले जब उसके आरोपी को बिल्कुल ऐसी सजा मिले जिसे पूरा देश याद रखे। कोमल धने सर, IBC 24 भिलाई।